ब्रेक के बाद एक बार फिर सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद बीजेपी ने अपने सभी उम्मीदवारों का अभिनंदन किया। बाबूलाल मरांडी और अमर बाउरी की मौजूदगी में प्रत्याशियों को सम्मानित किया गया। वहीं हार से सीख लेते हुए विधानसभा चुनाव फतह करने का संकल्प लिया गया। अभिनंदन समारोह, बीजेपी उम्मीदवारों का सम्मान, हार से सीख लेने का संकल्प। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद बीजेपी ने अपने तमाम प्रत्याशियों के लिए अभिनंदन समारोह का आयोजन किया। रांची के एक बैंक्वेट हॉल में आयोजित कार्यक्रम में न सिर्फ सांसद चुने गए प्रत्याशी शामिल हुए, बल्कि जिन्हें हार का सामना करना पड़ा वैसे उम्मीदवार भी मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि भले ही एनडीए की सीटें घटी हैं, लेकिन 9 लोकसभा सीटें जीतने के साथ ही 50 विधानसभा क्षेत्रों में एनडीए ने बढ़त बनाई है। पार्टी को आसानी थोड़ा सफलता तो नहीं मिली, लेकिन हमें कम भी नहीं मिला। अगर हम कहें तो हम 9 सीट गठबंधन जीती है और 50 विधानसभा सीटों में हमने लीड नहीं किया है। लोकसभा चुनाव में 8 सीटें बीजेपी जीती, 1 सीट पर आजसू का कब्जा। विधानसभा की 47 सीटों पर बीजेपी को बढ़ा, 3 पर आजसू को बढ़ा, 29 सीटों पर इंडी गठबंधन आगे, डुमरी और गोमिया में जयराम को बढ़ा। धनबाद, कोडरमा, पलामू, जमशेदपुर और हजारीबाग की सभी 35 विधानसभा सीटों पर बढ़ा। खूंटी और लोहरदगा के सभी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस आगे। राजमहल लोकसभा के सभी विधानसभा क्षेत्र में जेएमएम को बढ़ा। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सिर्फ 5 सीटों पर एनडीए को बढ़ा। लोकसभा चुनाव में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सभी सीटों पर कमल मुरझा गया। खूंटी, सिंहभूम, दुमका, लोहरदगा और राजमहल में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। चुनाव हारना जीतना लगे रहता है और खूंटी के जनता ने ही जिताया था। खूंटी के जनता ने जो जनादेश दिया वो जनादेश सर्वोपरि है। एक पूरी सरकार वहाँ लग गई थी, पूरी कैबिनेट वहाँ लग गई थी। जिस तरह से चाहे वो चंपाई सोरेन खुद मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो, जिस तरह से वो लोग लगे वहाँ पर, हमारे कार्यकर्ताओं को डराने धमकाने का काम किया। प्रशासन के द्वारा थोड़ा सा हमको खामियाजा झेलना ही पड़ा, क्योंकि सबसे पहले नगर के क्षेत्र में जो वोटिंग करने वाले हमारे जनता आए, जहाँ पर बीजेपी के जो ये है वोटर्स है, जिस जगह में सबसे ज़्यादा संख्या में आते, उस जगह को स्लो किया गया वोटिंग का सिस्टम को। कई जगह पर जो ईवीएम का मशीन है उसको खराब दिखा दिया और पब्लिक को मतलब रुका दिया, कई जगह में स्लो किया, तो इस तरह से चलता रहा। लोकसभा चुनाव के बाद अब इसी साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। ऐसे में बीजेपी हार से सीख लेकर विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से राजेश कुमार की रिपोर्ट। तो एक तरफ जहां जीत हुई और वहीं दूसरी तरफ हार हुई है। विधानसभा स्तर पर है और विधानसभा के समीकरण बहुत कुछ तय करने वाले हैं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश लगातार बने हुए हैं। राजेश, देखिए, विधानसभा अगर सिलसिलेवार तरीके से बात करें तो लोकसभा चुनाव में 50 से अधिक विधानसभा सीटों पर एनडीए गठबंधन की जीत हुई है। तो एनडीए का ये जीत कई मायनों में अहम माना जा रहा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव अब कुछ ही दिनों में दरवाजे पर दस्तक देगा। ऐसे में अगर हम बात कर लें, भले ही 5 सीट जो एनडीए गठबंधन के खाते में गई हो, लेकिन ये 50 सीट जो एनडीए के खाते में आई है, ये कितना मायने रखने वाली है आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में? लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव कई अलग तरीके से लड़ा जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर कई मुद्दे होते हैं जिसको लेकर लोकसभा चुनाव में परसेप्शन बनाया जाता है। आपने देखा भी, कई ऐसे विषय थे जिसमें लोकसभा चुनाव में प्रिवेल किए, यानी वो प्रमुखता से छाए रहे। लेकिन विधानसभा का चुनाव होता है तो राज्य स्तर के कई मुद्दे इसमें हावी रहते हैं और स्थानीय चीज़ें बहुत ही बारीकी से मतदाता सोचते हैं, समझते हैं, क्योंकि एक छोटा सेगमेंट होता है तुलनात्मक रूप से लोकसभा चुनाव के। आप देखें, हम आपको 2019 की बात करते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को 12 सीटें मिली थी, 14 में से 12 सीटें मिली थी, 11 बीजेपी को, 1 आसू को। उसी अगर जिस प्रकार से आपने कहा कि 50 विधानसभा सीटों पर एनडीए के वो बढ़त मिली,
उस समय 65 विधानसभा सीटों पर एनडीए को बढ़त मिली थी 2019 में। यही इसी आधार पर एनडीए के लोग यानी बीजेपी के लोगों ने प्रमुख रूप से ये कहा था इस बार अब की बार 65 पार, यानी जो 2019 का विधानसभा का चुनाव हुआ था जो आंकड़े लक्ष्य रखे गए थे वह इसी आधार पर रखे गए थे। इस बार 50 सीटों पर एनडीए को बढ़त है, हो सकता है कि ये बढ़त उन्हें फायदा पहुंचा दे। अगर 50 सीटें पर अगर एनडीए के प्रत्याशी जीत जाते हैं विधानसभा चुनाव में तो सरकार बन जाएगी, क्योंकि झारखंड में विधानसभा के चुनाव में बहुमत का आंकड़ा 41 है, 81 लोकसभा विधानसभा की सीटें हैं, तो उस लिहाज से 41 सीटें होनी चाहिए। अब देखना यह है कि आने वाले समय में बीजेपी का नेतृत्व और इसका जो साथी है यानी अलायंस पार्टनर आजसू किस शिद्दत के साथ चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जातीय समीकरण पर निर्भर करती है, सोशल इंजीनियरिंग के हिसाब से चीज़ें होती हैं। आजसू का भी एक अपना वोट बैंक है, जनाधार है, बीजेपी का अपना वोट बैंक और जनाधार है, वहीं दूसरे दल जो है जो एनडीए के विरोधी हैं जेएमएम है, कांग्रेस है, आरजेडी है, इन तमाम का अपना अपना आधार है। तो सवाल ये उठ रहा है कि किस यहाँ की जनता, यहाँ के जो मतदाता हैं वो विधानसभा चुनाव में क्या कुछ रखते हैं। वैसे आज बीजेपी की जो बैठक हुई इसमें बहुत ज़्यादा इस पर समीक्षा नहीं हुई, लेकिन इतना जरूर कहा गया कि हम जो कमियां रही हैं उसे दूर करने का प्रयास करेंगे और विधानसभा का आयोजन किया गया। राजेश, तो आज के समारोह में क्या गुरु मंत्र दिया गया? चूंकि देखिए सीटों में कमी आई है, ऐसे में ऊर्जा वर्धन करना खास करके जो नव निर्वाचित सांसद आए हैं उनका बेहद जरूरी हो जाता है, तो क्या कुछ गुरु मंत्र दिए गए प्रदेश नेतृत्व की ओर से? देखिए आज जो अभिनंदन समारोह था, चूंकि जैसा कि आपने पहले भी कहा है कि सभी को बुलाया गया है दिल्ली, चूंकि कल दिल्ली में बैठक होनी है, तो समय आज ही का बनता था और पार्टी ने यह तय किया था कि जो जीते हैं या जो नहीं भी जीते हैं उनको भी हम सम्मानित करेंगे, और जो जीते हैं तो वो तो दिल्ली चले गए, और कहीं से भी ये नहीं कहा गया कि हमने जंग हारी है या हम कहीं से निराश हैं। इनका कहना है कि ठीक है कि विपक्ष ने जिस प्रकार से जाल बुने उसमें थोड़ी सी निराशा हाथ लगी है सीट के लिहाज से, लेकिन जो आंकड़े हैं 50 विधानसभा सीटों पर एनडीए की बढ़त रही है वो एक उपलब्धि है, और आगे इसी पैटर्न पर चुनाव की तैयारी की जाएगी, क्योंकि कुछ ही महीने के बाद विधानसभा के चुनाव होंगे, तो अब समय नहीं बचा है कि किस प्रकार से आगे बढ़ना है। और जहां तक समीक्षा की बात है वह अलग अलग क्षेत्रों में जाकर समीक्षा होगी। अब गुरु मंत्र की बात जो आपने कही, यही कहा गया सभी जितने भी लोग थे इसमें, क्योंकि इसमें सिर्फ सांसद ही नहीं थे जो चुने गए हैं, जो प्रत्याशी चुनाव लड़े जो नहीं जीते वो ही नहीं थे, बल्कि जो लोकसभा चुनाव में प्रबंधन कार्य में शामिल थे सभी लोग, चाहे वो प्रदेश पदाधिकारी हों, लोकसभा संयोजक हों, प्रभारी हों, या फिर क्लस्टर प्रभारी हों, या फिर विधानसभा के प्रभारी हों, उन सभी लोगों को इस बैठक में बुलाया गया था। और प्रदेश नेतृत्व के द्वारा यह कहा गया कि हम पूरी शिद्दत के साथ, पूरे ऊर्जा के साथ हम चुनाव लड़ेंगे, यानी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, और उसकी तैयारी में कहीं कोई कोर कसर नहीं रखी जाएगी, और जो समाज का जो वर्ग अगर हमसे दूर गया है हम उन्हें अपने पास लाने का प्रयास करेंगे, उनसे संवाद करेंगे, उनसे बात करेंगे कि बीजेपी से उन्हें क्या परेशानी है या उन्हें क्या चाहिए। तो ये समझिए कि गुरु मंत्र है कि ये सभी सांसद जो जीते हैं फिर लौटेंगे, जब सरकार केंद्र में बन जाएगी सभी अपने अपने क्षेत्रों में जाएंगे और फिर विधानसभा चुनाव की तैयारी में लग जाएंगे। आपने देखा होगा कि सीता सोरेन से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि अब हम लोग विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगेंगे, गीता कोड़ा ने भी यही कहा, सभी जितने भी जो हारे हुए प्रत्याशी सभी लोगों ने कहा कि हमारे सामने विधानसभा है का चुनाव है, ये बड़ी चुनौती है, लेकिन हम लोग मिलकर पूरे संगठन को इस तरह से दुरुस्त करेंगे ताकि विधानसभा में बहुमत की सरकार बन सके। बिल्कुल, देखिए बीजेपी को कहा जाता है कि जैसे ही एक
एक चुनाव खत्म होता है दूसरे चुनाव के आने वाले चुनाव की तैयारी बीजेपी शुरू कर देती है। ऐसे में अगर ट्राइबल सीटों की बात कर ले तो 5 लोकसभा ट्राइबल सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। विधानसभा की बात कर ले तो विधानसभा में जितने भी ट्राइबल सीटें हैं वो डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं, निर्णायक भूमिका होती है कि किसकी सरकार बनेगी। ऐसे में फिर से ट्राइबल सीटों को साधने के लिए, फिर से आदिवासियों का भरोसा जीतने के लिए बीजेपी की ओर से क्या तैयारी की जा रही है और उनको लेकर क्या बातें हो रही हैं? झारखंड में आपने सही कहा कि ट्राइबल वोट्स बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर तो 28 सीटें हैं जो रिजर्व हैं एसटी कैटेगरी के लिए। तो पिछले यानी 2019 में दो ही सीटें बीजेपी की झोली में आ सकी थी और आपको पता है कि इसका परिणाम यह हुआ था कि रघुवर सरकार सत्ता से बाहर हो गई थी। आंकड़े ही इतने कम आए थे कि 25 सीटों पर बीजेपी सिमट गई थी। इस बार यह प्रयास किया जा रहा है कि जो आदिवासी क्षेत्र है, रिजर्व सीट है, वहाँ पर हम बेसिक यानी जमीनी स्तर पर तैयारी करेंगे और जो इश्यूज रहे हैं कुछ चीज़ें जैसे सरना धर्म कोड है या फिर 1932 का खतियान है, युवाओं की बेरोजगारी की समस्या है या और अन्य जो डेवलपमेंटल इश्यूज है उनको लेकर चलेंगे ताकि ये समझाया जा सके कि बीजेपी आदिवासी की सबसे बड़ी हितैषी है और वह भविष्य में भी आदिवासी समाज के लिए काम करना चाहती है, इसलिए आशीर्वाद दिया जाए। तो यही कुछ रणनीति बनेगी। अभी हमें बहुत स्पष्ट रूप से हम नहीं कह सकते कि क्या रणनीति होगी, कुछ अलग तरीके से तैयारी की जाएगी, लेकिन आदिवासी समाज हो या फिर पिछड़ा वर्ग हो या फिर कोई अगड़ा वर्ग हो, ये सभी समाज को साथ लेकर चलने का प्रयास बीजेपी का होगा। अब इसमें कितनी सफलता मिलती है या तो चुनाव का परिणाम बताएगा आने वाले समय में, लेकिन फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़े हुए थे। जितने भी सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है या फिर हार मिली है, बीजेपी अब उसको भुलाने की कोशिश कर रही है। अभिनंदन समारोह का आयोजन प्रदेश बीजेपी की ओर से किया गया और गुरु मंत्र दिए गए। हालांकि अगर विधानसभा वार सीटों की बात कर ले तो 50 से अधिक एनडीए के खाते में, मतलब कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइन है बीजेपी के लिए और एनडीए के लिए। लेकिन जिन ट्राइबल सीटों की बात कर रहे हैं, ट्राइबल सीटों को लेकर ये बात कहा जा रहा है कि ट्राइबल सीट डिसाइडिंग फैक्टर होंगे विधानसभा चुनाव में। अब देखना यह है कि बीजेपी इसको लेकर क्या तैयारी करती है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।